शहर के मारूफ समाजी कारकुन अतीक अहमद और इनकी फैमिली की जानिब से थनी संदरा में ब्रॉड विजन वर्ल्ड स्कूल के नाम से स्कूल का आगाज़ किया गया है। इसका इफ्तिताह अतीक अहमद की फैमिली के अफराद ने किया और इस मौके पर अतीक अहमद का जन्मदिन भी मनाया गया। जन्मदिन के मौके पर ये तमाम तकरीबात मुनक्कद हुए थे। अतीक अहमद ने अपना जन्मदिन बहुत ही शान व शौकत के साथ मनाया और साथ ही यहाँ इस स्कूल का इफ्तिताह भी अमल में आया है। इस मौके पर पुलकेशी नगर के एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति भी मौजूद रहे और साथ ही साथ हब्बाल के साबिक एमएलए नारायण स्वामी भी मौजूद रहे। इसके अलावा दीगर उलमा इकराम और सामाजिक कारकुनान भी यहाँ देखे गए और साथ ही साथ इस मौके पर अतीक अहमद ने कहा कि वो सामाजिक काम जो है वो जारी रखेंगे। वाजे रहे कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन हैं अतीक अहमद और इसके साथ में इस्माइल खान भी मौजूद रहे और साथ ही साथ यहाँ एक सबसे अहम चीज़ ये है कि तालीम के मैदान में अतीक अहमद ने कदम रखा है। अतीक अहमद जो है एक बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो सूफ़ी कॉन्फ्रेंस हो चाहे मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्राम इनकी जानिब से किए जाते हैं। आज इनका एक बड़ा कदम उठाया है इन्होंने, एक बड़ी स्कूल का जो है आगाज़ किया है थनी संदरा में। मैं अतीक अहमद हूँ, ब्रॉड विजन वर्ल्ड स्कूल बोल के ये हमने 2 साल पहले इसका इनाखत किया था। पहला ब्रांच था अपना हन्नूर में, ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं ये तनी संदरा का जंक्शन है, जहाँ पे क्योंकि मेरा एक्चुअल पेशा है कंस्ट्रक्शन और बिल्डर्स हूँ। मैं चाहता था कि कुछ ऐसी इमारत खड़ी करे जो हर एक के लिए फैज़ पहुंचाते रहे कई सालों तक। आज हम किसी को खाना खिला देते हैं, एक टाइम में ख़त्म हो जाता है, किसी को कुछ चावल दिए या कुछ अनाज दे दिए 4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए, लेकिन इलम एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अहम है अपने कौम के लिए, जो जिसमें हम बहुत पीछे रह गए हैं, बाकी लोग आगे निकल गए। तो इस वजह से मैंने ध्यान दिया कि इसमें अगर हम इंशाअल्लाह थोड़ा तवज्जो देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वक्त में सभी के लिए इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छा रहेगा। इल्म बांटना एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें दिया है, इसको हम आम करें हर एक के लिए। आज हम इंजीनियर बन गए, कई लोग डॉक्टर्स बन गए, लेकिन मोर देन 90% ऐसा हमारा तबका है जो एक अच्छी भरपूर एजुकेशन से महरूम रह गई। आज कई बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कई लोग हैं जो मेरे साथ ही पढ़े हैं, आज मैं जब देखता हूं कि वो बहुत कम छोटे मोटे काम में लगे हुए हैं, लेकिन मेरे से अव्वल थे स्टडीज़ में। लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूं, अल्लाह ने हमें नवाज़ा, कुछ ऐसे सहूलतें पैदा किए जिससे हम इंजीनियर्स बन गए, डॉक्टर्स बन गए। यह सहूलत हर एक को आम नहीं हो पाई, लेकिन बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों को आगे बढ़ने में, जिससे बच्चे पीछे रह गए। इंशाअल्लाह इसकी तरफ ध्यान देने के लिए मैं एजुकेशन की तरफ इन्वेस्टमेंट्स करते हुए ये सेकेंड ब्रांच अपना खोला हूँ जो तनी संदरा में। ये एक 3 एकड़ की जगह है जहाँ पे इंशाअल्लाह इंटरनेशनल लेवल का स्टडीज़ होगी। पहली कैंपस भी ऑलमोस्ट 2 एकड़ की है, कैंपस जो हन्नूर में है ये उससे बड़ी कैंपस है। इंशाअल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स के लिए, सब के लिए इंशाअल्लाह ये
इलम के लिए इलम का एक गहवारा बनेगी इंशाल्लाह। और हर प्रोग्राम में पहला फ़र्ज बनता है कि हम उन लोगों को देखें जो बहुत मजबूर हैं, कमज़ोर हैं। देखिए आज अब तमाम जानते ही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन जो हम मिल्लत के हमदर्द हैं, सारा रियासत कर्नाटक नहीं सारा हिंदुस्तान जानता है अल्लाह जती खामद साहब को, ऐसे इनके खिदमात हैं। आज इनका जन्मदिन है, इस जन्मदिन के मौके पर है और जो है इन्हों ख़ास कर जो जिस दिन जन्मदिन रहता है उस दिन तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो गुरबा हैं इनकी खिदमत में अनाज पैसे कपड़े वगैरह तकसीम करते हैं। आज भी जो है 1000 से ज़ायद इस एरिया के जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों को जो है अनाज जो है 25 किलो का एक चावल का बैग तकसीम किया जा रहा है। इनका जो जन्मदिन है इसी खिदमात से शुरू होने जा रहा है। और इसके साथ साथ आप तमाम जानते हैं सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में जो है अरबी क्लासेस, उर्दू क्लासेस और फैशन डिज़ाइनिंग टेलरिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस तमाम खिदमात जो है कौम के लिए मुफ्त हैं। और इसके साथ साथ अतीक साहब ने एजुकेशन का जैसा इन्होंने अभी बताया कि जो है इल्म है बहुत बड़ी दौलत है, इल्म से बड़ी दौलत कोई दौलत नहीं है। इंसान के अखलाक किरदार इल्म से ही बनते हैं। ये इसको देखते हुए लोग देखते रह जाएं कि अतीक साहब किस तरफ ध्यान दे रहे हैं, इल्म की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसी तरह हिन्नूर में एक ब्रॉड विजन वर्ल्ड स्कूल का इफ्तिताह हुआ, 2 साल से माशाल्लाह चल रही है स्कूल। यहाँ तनिसंद्रा में जो है ये भी हार्ट ऑफ द सिटी है, यहाँ पे भी ये स्कूल का इफ्तिताह हो रहा है। इंशाल्लाह इसे ही जो है और 2-4 ब्रांचेस होंगे और उसके बाद जो है कौम मिल्लत के लिए जो है जो देवनहली में जो है 2 एकड़ का मदरसा तामीर है, अभी आधा काम हो चुका है, अभी आधा बाकी है। वहाँ पे जो है रहन सहन का रहने के लिए वहाँ जगह होगी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। और उसके बाद जो है देवनहली में और 8 एकड़ की ज़मीन इन्होंने अपने निशाने पर लगा हुआ है, वो जो है 8 एकड़